हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ में ये वाला मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है और अभी का टाइम में ये वाला मेकअप लुक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप देख लो कहीं पर भी। तो इसलिए मैंने ये वाला मेकअप लुक किया है और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने टोनर अप्लाई किया है जो कि गुड वाइब से है एंड देन पोन्स का मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ किया है एंड देन फिर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एलोवेरा जेल पोरो प्लस का और उसके बाद मालियन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग प्राइमर है। सो प्राइमर से पहले मुझे अप्लाई करना था ये SPF क्रीम बट मैं भूल गई, तो इसलिए प्राइमर के बाद में ही अप्लाई कर रही हूँ। ये सन प्रोटेक्शन क्रीम है, 50 प्लस है और ये पोन्स का है, काफ़ी अमेजिंग है इस समर सीजन के लिए। और गाइस ये अपनी नेक में और फेस में अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस बीबी क्रीम से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है और बीबी क्रीम को मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके अप्लाई किया है पोन्स का। और मेरा जो शेड है वो 02 है, मेरा शेड मेरे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट शेड है। उसे डॉट डॉट करने के बाद में मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड किया है। आप चाहो तो हाथों से भी कर सकते हो या तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया कि ब्रश की हेल्प से बहुत ही अमेजिंगली ब्लेंड हो रहा था, प्रोडक्ट भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद आप चाहो तो सेम कंसीलर को ही सेम बीबी क्रीम को ही एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज़ किया है जो कि बेस्ट है। ये वाला शेड मीडियम टैनी है और अगर आपका डार्क सर्कल है तो इससे काफ़ी अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फेस को सेट करने के लिए फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है और ये भी SPF 40 मिल जाता है, काफ़ी अमेजिंग है। और इसे मैंने पूरी फेस पे सेट कर लिया है जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया, फर्स्ट उसको सेट करेंगे एंड देन पूरा फेस को एक पाउडर ब्रश की हेल्प से सेट करेंगे। सो गाइज़ ये मेकअप लुक में मैंने स्वीट प्रूफ और इस समर सीज़न के लिए भी ध्यान रखते हुए मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रॉन्जअप किया है SFR कलर का पैलेट से, इसमें से मैंने ब्रॉन्जर शेड यूज़ करके ब्रॉन्जर किया है एंड देन थोड़ा सा मैंने पिंक ब्लश अप्लाई किया है, उसके बाद नोज़ को कंट्रोल किया एंड देन यहाँ पे मैंने ये वाला ADS का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये वाला लिक्विड हाईलाइटर है जो कि स्विस ब्यूटी का है पर्ल हाईलाइटर, ये पिंक एंड गोल्ड शेड में है, काफ़ी अमेजिंग है, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिक्विड हाईलाइटर यूज़ किया है और बहुत ही नेचुरल सा फिनिश देता है, आपको चंकी ग्लिटर नहीं दिखेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लश अप्लाई किया है क्योंकि थोड़ा कम लगा मुझे, इसीलिए ADS का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग आईब्रो पाउडर है। तो इसमें से ये ब्राउन शेड लेके मैंने अपने आईब्रो को फिलअप किया है एंड देन ये ब्लिंगी आई शेडो सिंगल पैलेट लिया है जो कि आई थिंक NYB का है या तो इससे मैंने अपनी पूरी आईलिड्स पे मैंने पहले अप्लाई किया है हाथों की हेल्प से एंड देन जो मैंने ब्राउन्जर शेड अप्लाई किया था वही शेड को मैं आउटर एंड थोड़ी करके क्रीज लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। आई मेकअप लुक भी मैंने बहुत ही ईजिली मैंने क्रिएट किया है, आप देख सकते हो सेम शेड को ही मैंने इनर कॉर्नर एंड ब्रो बोन को भी अप्लाई किया है। स्टे कोर्गी का आई लाइनर लिया है, बस इस लुक में आई लाइनर का ही खेल है। तो आईलाइनर मैंने विंग्ड आईलाइनर अप्लाई किया है बहुत ही पतले लाइन से एंड इनर कॉर्नर को भी कुछ इस तरीके से किया है, आप देख सकते हो। मेनली यही ट्रेंड है मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ और मुझे भी काफ़ी पसंद आया ये वाला लुक। और यहाँ पे फॉल्सेस लगा रही हूँ, आप चाहो तो वो कोटिंग मस्कारा भी अप्लाई कर सकती हो, लेकिन फॉल्सेस के साथ में ये वाला लुक बहुत ही बॉम लगेगा और हर कोई ड्रेस के ऊपर में आप कर सकते हो इस तरीके का लुक जो कि बहुत ही ईजिली कैरीबल है, आप आराम से कैरी भी कर सकते हो हर कोई ड्रेस में। यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है, लोअर एंड अपर लैश लाइन पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे एंड देन यहाँ पे मैंने आईब्रो पे भी अप्लाई किया है ताकि मेरा आईब्रो थोड़ा थिक एंड जैसे मैंने किया है वैसे रहे एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे।
ऐसा करने से बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बहुत ही अच्छा भी दिखता है, नीट एंड क्लीन। लेकिन लगाने से पहले आप अच्छी तरह से लगा लो, मतलब इधर उधर लग जाएगा तो वो देख के लगाना। यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर पे भी सेम हाइलाइटर यूज़ किया है एंड लिपस्टिक यहाँ पे मैंने न्यूट पिंक लिपस्टिक लगाई है। आप चाहो तो रेड भी डाल सकते हो, लेकिन न्यूट कलर के साथ में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये मैंने पिंक कलर का हुडा ब्यूटी का यूज़ किया है, जो कि मैंने लोकल मार्केट से बाइंग किया था। यही रहा आज का लुक, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही इजी पीजी है ये लुक क्रिएट करने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।